3/2022 कक्षा KG। विद्यार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है, शिक्षक शिक्षिका का नाम आपको अपने सर या मैडम का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। आइए आज हम आपको एक कहानी सुनाए। कहानी का नाम है दुखी पहिया। एक पहिया था, वह अपनी कार से बहुत परेशान था। कभी पहिए को तपती सड़क, कभी नुकीले पत्थर पर, कभी कीचड़ भरे रास्तों पर दौड़ना पड़ता था। पहिए ने कार को छोड़ने का सोचा। वह कुछ और ढूंढने चल पड़ा। उसे एक ट्रक मिला। पहिए ने पूछा, क्या मैं तुम्हारा पहिया बन जाऊं? ट्रक ने कहा, ठीक है। ट्रक चला। पहिया चीखा, अरे बाप रे, तुम बहुत भारी हो, मेरा तो कचूमर बन जाएगा। पहिया ट्रक को छोड़कर आगे चला गया। फिर उसे ऑटो मिला। उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारा पहिया बन जाऊं? ऑटो ने कहा, ठीक है। ऑटो चलाते ही चिल्लाया, अरे कहीं और जाओ, तुम मुझे पलट दोगे। फिर वह साइकिल के पास गया, पर बता ना बात ना बन बनी। तब पहिया तंग तांगे के पास गया, वहाँ भी बात ना बनी। वह थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया। एक लड़का वहाँ आया। लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पहिए ने झट से हाँ कर दी। अब वे साथ झूलते हैं, साथ खेलते हैं और हमेशा साथ ही रहते हैं। चलो बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस पर चर्चा करें। पहिया कार से क्यों परेशान था? पहिया कार से किस लिए परेशान था? कभी कभी तपती सड़क, नुकीले पत्थर, तो कभी कीचड़ भरी सड़क पर दौड़ना पड़ता था, इसलिए परेशान था वो। ठीक है। पहिया ट्रक को छोड़कर क्यों चला गया? क्योंकि ट्रक बहुत भारी था। ट्रक के बाद पहिया किसके पास गया? ऑटो वाले के पास। पहिया थक कर कहाँ बैठा? पेड़ के नीचे। अगर आपको वह पहिया मिलता तो क्या आप उससे दोस्ती करते? हाँ, हम दोस्ती कर लेते। ठीक है, चलिए अब तीलियों और चूड़ियों की मदद से एक साइकिल बनाएं। देखिए मैंने कैसे बनाई है। देखो बेटा, दो चूड़ियाँ लेनी है आपको और माचिस की तीलियाँ लेनी है। उन्हें जोड़ जोड़ कर साइकिल बनानी है, जैसे साइड में बनी हुई है। ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव यह है, कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। बेटा, आपको ये कहानी पढ़नी है और अपने पेरेंट्स को सुनानी है अपने शब्दों में। ठीक है, कहानी बहुत अच्छी है, पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।